अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपने यूआरपी से पैसे ट्रांसफ़र किए, आपका ट्रांसफ़र पेंडिंग में चला गया है और आपसे बेनिफिशियरी का और सेंडर का इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फॉर्म को बिना सबमिट किए पैसे कैसे रिलीज़ करते हैं। तो फ्रेंड, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपका ट्रांजेक्शन रिलीज़ हो जाएगा और मैं करके दिखाऊँगा। फ्रेंड, ना तो आपको यूआरपी में कॉल करना है, ना आपको कहीं पर आईडी अपलोड करनी है, तो क्या करना है आपने, चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये यूआरपी से पैसे ट्रांसफ़र किया अभी जस्ट, और पैसे ट्रांसफ़र करने के फ़ौरन बाद ये ट्रांसफ़र पेंडिंग में चला गया है। ये देखिए, मैं ट्रांसफ़र पर क्लिक करता हूँ, जैसे ट्रांसफ़र पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर शो कर रहा है मोर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू वेरीफाई दिस ट्रांसफ़र, यानी कि आपको वही फॉर्म सबमिट करने को बोल रहा है और ट्रांसफ़र स्टेटस पेंडिंग में है। तो अगर मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल के सबमिट करता हूँ, तब भी यहाँ पर एक इरर आता है जो ये है, सर्विस इज़ करंटली अनअवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो अगर सबमिट हो भी जाता है तब भी वो वैसे ही पेंडिंग में रहता है, कुछ होता जाता है नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने ना तो यूआरपी को कॉल करनी है, आपने जाना है गूगल में, आपने टाइप करना है, फ्रेंड्स आपने कॉल करना है मनीग्राम को, जिसके थ्रू आपने पैसे ट्रांसफ़र किए मनीग्राम। क्योंकि अगर आप यूआरपी में कॉल करोगे तो आपके बोलेंगे इतने घंटे वेट करो, सबमिट किए इंतज़ार करो, कुछ होता जाता है नहीं, सिर्फ टाइम देते बस। तो आपने कॉल करना है मनीग्राम को। मनीग्राम को कॉल करने के लिए आपने गूगल में टाइप करना है www.callmoneygram.com/contactme, www.callmoneygram.com/contactme, आपने ये सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने जिस नंबर पे आपको कॉल रिसीव करना है वो नंबर यहाँ पे टाइप करना है। पहले आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जो कंट्री है ऊपर, उसके बाद आपने फ़ोन नंबर टाइप करना है। मैं सऊदी का फ़ोन नंबर टाइप किया, उसके बाद आपने सिर्फ नीचे क्लिक करना है कॉन्टैक्ट मी। जैसे कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करेंगे, विद इन 2 मिनट्स या मैक्सिमम 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाता है। अभी देखिए, मेरे को कॉल आने वाला है मनीग्राम से, और मनीग्राम से बात करना है, और क्या बात करनी है आप ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मैंने कॉल किया था मनीग्राम को, आप ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। वेलकम टू मनीग्राम, टू कंटिन्यू प्लीज प्रेस 1। شكرا لك على الاتصال بمانيغرام الدولية. اللغة العربية اضغط على مفتاح 1. For English, press 2. Para sa Tagalog, pindutin ang 3. Hindi ke liye 4 dabayin. आपका अभिवादन हिंदी में किया जा सकता है जब आप कॉल करते हैं। भविष्य में अगर आप अपनी भाषा की पसंद बदलना चाहते हैं तो आप मुख्य मेनू से ऐसा कर पाएंगे। अगर आप सहेजना चाहते हैं हिंदी को अपनी भाषा के तौर पर, 1 दबाएं, अगर नहीं 2 दबाएं। इसे सहेजा गया, स्थिति की जांच करने के लिए धन वापसी का अनुरोध करें या लेन देन में संशोधन करें, 1 दबाएं। अधिक विकल्पों के लिए 2 दबाएं। एक लेन देन भेजने के लिए 1 दबाएं। लेन देन प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। एजेंट का स्थान ढूंढने या शुल्क और विनिमय दरों का पता लगाने के लिए 3 दबाएं। अगर आपको लगता है कि आप धोखाधड़ी के शिकार हैं, 4 दबाएं। इस जानकारी को फिर से सुनने के लिए स्टार दबाएं। एक लेन देन भेजने के लिए 1 दबाएं। लेन देन प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। एजेंट का स्थान ढूंढने या अगर आप संदर्भ नंबर जानते हैं, 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। कृपया 8 अंकों वाली संदर्भ संख्या दर्ज करें, इसके बाद पाउंड या हैश कुंजी। कृपया कोई नंबर दर्ज करें, कृपया क्षमा करें, ये एक अमान्य प्रविष्टि है। कृपया 8 अंकों वाली संदर्भ संख्या दर्ज करें, इसके बाद पाउंड या हैश कुंजी। अगर आप प्राप्त करने वाले हैं, प्राप्त करने वाले के एजेंट हैं, कोई तृतीय पक्ष व्यक्ति हैं या कोई तृतीय पक्ष के संगठन हैं, 1 दबाएं।
अगर आप भेजने वाले हैं या भेजने वाले के एजेंट हैं तो दबाएं। इस लेन देन पर आगे की प्रक्रिया के लिए मनीग्राम को इस लेन देन के प्राप्त करने वाले से बात करनी पड़ेगी। कृपया प्राप्त करने वाले को मनीग्राम से संपर्क करने की सलाह दें। अगर किसी कारण से आपके लेन देन को प्राप्त करने वाले मनीग्राम से संपर्क नहीं कर सकते हैं, एक दबाएं। अगर आपको अन्य मामलों के बारे में अधिक सहायता चाहिए तो दबाएं। इस समय इस लेन देन में एक समस्या है जिसे हल करने के लिए एक प्रतिनिधि की जरूरत है। यदि आप अपनी कॉल को रिकॉर्ड करने की सहमति नहीं देते हैं तो सहायता प्राप्त करने के लिए कृपया किसी मनीग्राम एजेंट स्थान पर जाएं या हमारी वेबसाइट पर दिए गए संपर्क फॉर्म को पूरा करें। मनीग्राम में रब्ता करने के लिए धन्यवाद। मैं रविंद्र, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया था मनीग्राम के थ्रू यूआरपे से, वो ट्रांजेक्शन होल्ड पे है। वहाँ पे कुछ बेनिफिशियरी का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, वहाँ पे सबमिट करे, सबमिट हो नहीं रहा है। सर ट्रांजेक्शन पे चेक करो, आपका मुकम्मल नाम क्या है? और रिसीवर कौन है? रिसीवर का क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद। रिसीवर आपके क्या लगते हैं? फ्रेंड है सर। पहली बात तो शुक्रिया पैसे भेजने के लिए। पैसे आप ही के रिसीवर को जाए, पैसे ठगी नहीं जाए। उसके लिए पैसों की सुरक्षा के लिए आपको रिसीवर की इंफॉर्मेशन देनी होगी जो मैं अभी आपसे देने वाला हूँ। मुश्किल नहीं है, तो आपकी इजाजत है तो ले सकता हूँ? जी जी, अभी की अभी जो है काम कर लूंगा। ओके, चिंता ना करें। कॉल करें, मैं देख रहा हूँ। तो रिसीवर की वैलिड आईडी है, उनके ऊपर उनका नाम क्या लिखा है? उनकी जो आईडी है, आईडी पे ही नाम है? जी जी, वही यही नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके वालिद साहब का नाम बताइए। रिसीवर जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जस्ट सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ मेरा यहाँ, एक मिनट। आवाज आ रही है आपको? जी जी, बस सर एक मिनट, बस एक मिनट भी नहीं लगेगा। डेट ऑफ बर्थ है 2। पैदाइश कहाँ पे हुई है इनकी? इंडिया, उनके शहर और कंट्री में? इंडिया, लखनऊ। इनकी सिटीजनशिप नेशनलिटी कहाँ की है? इंडिया। और कोई कंट्री की नहीं है? जी जी नहीं है। ठीक है, सारी जानकारी मिल गई, काम कर रहा हूँ। okay. आपको कुछ पूछना पूछे? सर ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रांजेक्शन होल्ड कर देते, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसका कोई आई मेरे ख्याल से यूआरपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे साथ। कॉल क्यों नहीं करते हो? पैसे भेजने के बाद हमें कॉल क्यों नहीं करते हो? सर चेक करने के लिए कॉल कीजिए ताकि हम आपकी सहायता करें। सर आपका नंबर सब्जेक्ट रिव्यू होता है। मेरे पास सुने, आपका नंबर ढूंढने के लिए अगर गूगल पे हम सर्च करते हैं तो यूके यूएस का नंबर आता जो लगता नहीं है। गूगल पे नंबर अभी नोट कर ले सर। सुने मुझे तो मिल गया अभी। डबल जीरो नहीं नहीं नंबर नंबर अभी तो मुझे वो ऑप्शन ही मिल गया, वो जो लिंक है कॉल मी वाला, वो बढ़िया है, फीचर अच्छा है कॉल मी वाला। हाँ सही है, आप नंबर नोट कर ले, 800-814-4945। बहुत शुक्रिया जी, ये नंबर सेव कर ले। ठीक, बैठे आपकी सहायता के लिए।
ऑटोमेटेड सिस्टम है, सिस्टम को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देना पड़ता है। सही है, सही, सीधी सी बात है, आपके पैसे ठगे नहीं जाए, आपके पैसे नहीं आपके नहीं सही है, पैसे। थोड़ा ये सिक्योरिटी आपको एक रहे, बार कॉल करना जरूरी है। सही है बस, बट ये कॉल वाला सिस्टम मेरे को जो मिला, हाँ कॉल जी, हाँ कॉल मी करके जी, हाँ अच्छा रात में था। को टेंशन ना पड़े। हाँ जी, अननोन पर्सन को पैसे ना भेजा करें, जो मैं हर कस्टमर को बोलता हूँ। मैं समझ सकता हूँ सर। सर अच्छा है, बढ़िया है, मतलब पॉलिसी अच्छी है कि रिसीवर का इन्फॉर्मेशन लेके उसको सेंड करना ताकि इधर उधर ना जाए। सही है, करे काम चालू है। और बताइए सर, तबीयत पानी ठीक है, खैरियत? सब फिट पाट अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप, आपकी लैंग्वेज तो उर्दू है, बट आपका नेम कैसे, कहाँ से हैं आप, इंडिया से हैं? मैं भी इंडिया से ही हूँ सर, अभी सभी कस्टमर को उर्दू बात करें, बट हिंदी उर्दू तो ज्यादा करके सेम ही हो जाती है, तो हम जो नहीं, बात करके सहायता करते हैं। सही है, सही है, उर्दू काफ़ी अच्छी है, हम लोग से तो अच्छी है आपकी। मैं हूँ इंडिया मुंबई से, और मैं हूँ पंजाबी, और पंजाब से रोज हैं? कस्टमर से बात कर करके बातें हो जाती है, पंजाबी में। ये अब मतलब फिलहाल सर जो अभी आप वो आप, चेक कीजिए ना स्टेटस, जहाँ पे आपने देखा है एक मिनट सर, तो चेक करिए। ये 9 तारीख को रिसीव हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक वालों ने डेट दी है, मनी ग्राम से क्लियर कर दिया हूँ। यानी आपके पास से क्लियर है, बैंक मतलब है 9 तारीख का टाइम दिया है। बैंक का डेट दिया है, बैंक जो भी है डेट देती है, हमें हाँ समझ रहा हूँ, 9 तारीख की डेट दी, कल 9 तारीख है, कल तक हो जाना चाहिए। डिटेल्स की कमियां थी जो मैंने कर लिया काम, तो सही है, बढ़िया, ऑन इट्स वे हो गया, सही आपसे है, रिक्वेस्ट है कॉल कर लिया करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, और कुछ पूछना सर पूछे, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। तो देखा फ्रेंड्स आपने, 10 मिनट के अंदर ही पैसा ये पेंडिंग से हटके ऑन इट्स वे हो गया, और इसके बाद मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, फिर से चेक करते हैं लॉग इन करके ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं। तो देखिए, मैं 5 मिनट बाद फिर से लॉग इन करता हूँ और इस बार चेक करते हैं कि पैसा डिलीवर हुआ कि नहीं। तो मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, देखते हैं स्टेटस, ये देखिए स्टेटस डिलीवर्ड, पैसा आपका पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सिंपल है, 10 मिनट के अंदर आपका पैसा रिलीज़ हो गया। तो आपने यूआरपे में कॉल नहीं करना, अगर आपको पैसा पेंडिंग हो जाता है तो आपने ये काम करना है, मनीग्राम को आपने कॉल करना है। और फ्रेंड्स अगर आपका एसटीसीपीए में पैसा फंसता है तो उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसमें तो आपको किसी को कॉल नहीं करना है, ना तो आपको वेस्टर्न यूनियन कॉल करना है, ना ही आपने एसटीसीपीए के कॉल करना है। बिना कॉल किए, बिना कोई फॉर्म सबमिट किए बगैर आप पैसा रिलीज़ कर सकते हैं एसटीसीपीए में, मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप अगर आप यूज़ करते हैं एसटीसीपीए तो आप जाके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें अगर किसी का पैसा फंसता है तो। और हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।